हाय, हाय। टुडे वी हाँ, आर आज गोइंग टू हम लोग सी देखने वाला है 3D टूल पाथ्स। 3D टूल पाथ के बारे में देखने वाला है। ये टू टूल डी पाथ टूल में, पाथ एंड टू डी थ्री टूल डी पाथ टूल में क्या पाथ, डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? थ्री डी टूल पाथ इफ यू सी इन 3D टूल पाथ, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एंड ऑल साइमल्टेनियसली थ्री एक्सिस मूव हाँ टू साइमल्टेनियसली, एंड हाफ टूल पाथ में बट इन मोस्टली टू एंड हाफ एक्स वाई टूल पाथ, मूव बाद सो में एक्स एक्स वाई वाई मूव कट फर्स्ट कट देन लाइन सम जेड मूव इन द डेप्थ अनदर लाइन। जो होता है सो कट दिस ऑफ इज द डिफरेंस बिटवीन द तो इसलिए टू इसको एक्सिस सरफेस एंड द मशीनिंग थ्री एक्सिस टूल पाथ। डाइमोल्ड एप्लीकेशन के लिए दिस सरफेस मशीनिंग इज थ्री थ्री डी थ्री टूल डी पाथ टूल पाथ सपोर्ट इज करता है। नेसेसरी। मैनुअल यू एप्लीकेशन कैनॉट डू का द मैनुअल टूल थ्री पाथ डी का बहुत प्रोग्राम व्यापक बाई खंड है। मैंने मैनुअल मुझे तो वे, सो थोड़ी दिक्कत भी डेफिनेटली है और मैनुअली भी यू नीड टूल टू पाथ डिपेंड बना ऑन के दी काम करवाते हैं, एनी कैड कैम सॉफ्टवेयर। टू डी सो टूल टू मेक टूल पाथ एनी में प्रोफाइल प्रोफाइल मशीनिंग मशीनिंग और यानी कि कैड कैम डायमोल्ड सीखते हैं आप, एप्लीकेशन। ओके, तो आपको जरूरत एक 3D कैड कैम सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ता है। तो बाय उसी से यूजिंग ही कैड कैम सॉफ्टवेयर आप एनी 3D टूल3D पाथ आप प्रोफाइल सरफेस और मशीनिंग ग्राफिंग आप सरफेस मशीनिंग यू कर कैन सकते हो। डू इट। अभी हम सो 3D टूल नो पाथ के वी आर अंदर गोइंग आ टू रहे सी हैं। इन द 3D टूल पाथ। तो सबसे पहले वील सी ये व्हाट आर ऑल द 3D टूल दो पाथ्स आर ऑप्शन है, अवेलेबल। एक मॉडल अवेलेबल है तो आप मॉडल लेके काम करवा सकते हैं, नहीं तो आप कुछ कैसे चाहिए आप ऐसा मॉडल बना भी सकते हो। So, the थ्री model, डी if you स्पेसिंग have, you का can मॉडल take it बना and के use it. आपको एक्सपेरिमेंट Otherwise, करने को you can इंस्ट्रक्शन make your दूंगा। own model here and you can तो do the प्रोसीजर कैसे भी programming, है 3D प्रोसीजर programming. तो सेम ही Okay. रहता है। तो आपको So now टूल we'll पाथ में say आप देखेंगे tool तो path, ये है, surface आपको roughing tool सरफेस paths, रफिंग का टूल पाथ्स है, मींस parallel, पैरेलल radial, पैरेलल flow line, फ्लो लाइन contour, काउंटर rest, रेस्ट मिल pocket, पॉकेट एंड फ्रंट, and plunge tool paths. These are the roughing tool paths. ये सभी So if you फिनिशिंग see टूल in पाथ्स the है। main फ्लो लाइन finishing पैरेलल tool स्टीप path, रेडियल parallel, parallel फ्रंट steep, प्रोजेक्ट radial, काउंटर project, शैलो एंड सेम contour, टॉप एंड shallow. All these are के the अलावा finishing हमारे tool पास path. ये So हाई स्पीड other फिनिशिंग than टूल this, there पाथ is है, a high speed इसमें tool रफिंग paths के लिए also available. स्ट्रेटजी है, So for डायनेमिक roughing रफ here in अंडर the high speed only two tool उसके बाद paths means सभी dynamic rough and the opti rough, फिनिशिंग area rough and डी लाइन opti है rough, बीच का two roughing tool डी path लाइन and remaining things डी लाइन are का all मॉडल are है, the ये सभी finishing tool फिनिशिंग path. टूल पाथ है। ठीक है, तो So अभी हम now बात we करेंगे are going पैरेलल to टूल see पाथ the की। parallel tool path. सो इसके लिए मैं एक छोटा So एग्जांपल for दूंगा। that we are going to make one small example. ये मैं बोलता हूँ इसको 120 Okay, one rectangle I am making. एक छोटा Then I am सॉलिड extruding this rectangle. इसको 75। Okay. हाँ अभी मेरे को Now I will go to front view. सी प्लेन भी फ्रंट जाता हूँ मैं, एक शीट सरफेस So I am going से to इसको कट करवा split देता हूँ। this solid by using the sheet surface. So for that I वो create सरफेस one surface here from the spline. कितना था? So 100 I'll make it to 25 था ना, माइनस 125. I let me see whether it is crossed the entire model. तो ये इसको ये So now we सॉलिड go को to ट्रिम करवा solid. देता हूँ। Solid सॉलिड trim. Trim by ट्रिम बाय surface. सरफेस I select the इज द solid सॉलिड and एंड इट इज surface हाफ this. द सरफेस दिस माय Okay. सरफेस। So ठीक है, now तो इसको एक प्रोफाइल I put this surface and the wireframe in the layer if at all if you want. हाँ सपोज अभी ये एक 3D मॉडल है, अब इसको मशीन करना है तो
जरूर आपको थ्री सो डी फॉर मशीनिंग दिस टूल का यूज करना पड़ेगा। टू डी डेफिनेटली में ये नहीं कर सपोज सकते ऑन द आप, टॉप सरफेस इफ यू वांट टू मशीन ठीक है। यू कैन तो नॉट डू इट सबसे बाय पहले द ये टू डी हमको रफ आउट मशीनिंग। करना है, तो सो पहले हम वीडियो डेफिनेटली लगाएंगे वी रफिंग नीड टू टूल, हैव द ठीक है। राइट थ्री क्लिक करो डी टूल पर, तो एप्लीकेशन। ओके इसमें रफ सो टूल फॉर पर दिस टैप वी आर लगाना। गोइंग फॉर द फर्स्ट टूल पाथ कॉल्ड सबसे पहले पूछता है वो पैरेलल टूल आपको पाथ क्या आई है, एम वो गोइंग बॉस टू करना है सेलेक्ट। कैविटी का। बॉस मतलब सो प्रोजेक्शन देयर का कोर है, इट विल आस्किंग कैविटी वेदर इट्स मतलब अ कैविटी और अ बॉस और डाई अननोन। डाई का सो द प्रोफाइल है, कैविटी मीन्स वेदर यू डाई आर का मेकिंग प्रोफाइल को अ कैविटी डाई बोल सकता है। और हाँ, डाई को, when कोर there is को a core आप machining बॉस you want to do means a projection बोल सकते machining you हैं, want to और do, अदरवाइज if you बॉस are का not मतलब understanding कुछ whether it may be a कैविटी core and मतलब cavity or projection डिफरेंस, and cavity ठीक will be है। there, then तो it is undefined, then you can अनडिफाइंड select मीन्स the उसमें दोनों है, undefined. ऊपर भी है थोड़ा चीज, डाउन में भी थोड़ा चीज है, तो अनडिफाइंड आप बोल सकते हो। So I'll keep undefined and said okay. अनडिफाइंड ही मैं ले लेता हूँ। अभी ये क्वेश्चन है So सेलेक्ट now it is asking me सरफेस, to select the drive सरफेस surface. तो ये दूसरा सब सिलेक्शन मेथड्स है, So कैसे there सरफेस are को many आपको सेलेक्ट methods are there करना to है और select the सॉलिड को सेलेक्ट surface. करना। तो मेरे को So I ये just फेस select the मशीन का, face ठीक and है, selection. एंड सिलेक्शन। तुरंत आपको ये आ जाता है टूल पाथ और सरफेस में, So ड्राइव now we can सरफेस, see that the first one is drive surface. ड्राइव सरफेस। Just इसका now मतलब है, we have ड्राइव selected. सरफेस का The मतलब meaning of a drive है surface means, आपको टूल कौन सा so सरफेस the surface कट which करना you need है to उसको cut बोलता है is ड्राइव called the drive सरफेस। surface. Okay. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बेस से ही दूसरा सभी आने वाला है। So ड्राइव the सरफेस का meaning of मतलब drive है surface कौन सा is the सरफेस आपको surface कटिंग which करना है, you actually need to हाँ आपका कटर cut. से मटेरियल निकालना है, वो सरफेस को बोलता है ड्राइव सरफेसेस। सो ये हमने सेलेक्ट किया है, इसमें बताता है एक सरफेसेस, So उसको जितना भी you can सरफेस see that हो, what you have selected by ये मेरे को clicking on this show. इसमें करना है। उसको कलर भी चेंज कर सकता है, ठीक है, वो देख लो क्या है, कलर से भी ये करवा सकता है। उसके अलावा इधर एक कैड फाइल दिया There है is one इनपुट के लिए, more इसका मतलब CAD है ये file is कैड also फाइल का given in the मतलब tab. है Suppose सपोज आपको you have a STL एसटीएल फाइल file, में है तो ड्राइव in that सरफेस में situation you पेस्ट can करना, select the तो क्योंकि CAD file. एसटीएल फाइल है वो You सरफेस में see यूज होता STL है। file इट it इज is दी the triangular ट्रायंगुलर facet फैसेट्स, surfaces. ट्रायंगल टूटा So हुआ it is a ट्रायंगल model. टूटा It मॉडल means को, that model is totally broken into the ट्रायंगल ट्रायंगल टूटा हुआ रहता है, triangle वो फाइल triangle. है तो आपको So इनपुट that फाइल file में you कैड cannot either फाइल कर select or सकता है, surface where ठीक है। solid. तो So that इसका situation मतलब you है can use इनपुट the में भी है CAD सरफेस file. और सॉलिड, आर में भी है कैड फाइल इन द सेंस So एसटीएल in फाइल। this case CAD file means नेक्स्ट इज चेक सरफेस, STL file. चेक Next is सरफेस the check मतलब द surface. सरफेस यू The डोंट check वांट टू surface means सी the surface फाइल that you टू don't want to रिमूव, machine. Means you मतलब want to उसकी जगह protect your पे cutter from अपना the कुछ प्रोटेक्टर एरिया tool. है उधर, मतलब Maybe डाउन that मशीन area करना, may be अगर you कोई are टाइम going to मशीन do करना ये with टच नहीं other करना चाहिए kind of ब्लड को, operation. ऐसा That जगह पे मतलब surfaces you चेक don't want सरफेस। a machine is called the check इसके surfaces. नेक्स्ट है And कंटेनमेंट, third one is the मीन्स containment ये boundary. कंटेनमेंट बाउंड्री है ये, टू Containment बाउंड्री boundary सपोज मेरे means को टू, ये a टू tool से नहीं you जाना don't है, want to move your tool ये out of बाउंड्री this से boundary. इधर भी नहीं That is जाना है, called the तो ये बाउंड्री containment मतलब boundary. But कंटेनमेंट it means that you are restricting और your स्टार्ट पॉइंट। tool movement. मेरे को कुछ The एक next is the पर्टिकुलर पॉइंट start से point. स्टार्ट करना है, Suppose मुझे if you स्टार्ट want नहीं to कर सकता। start your अभी तो cutting ये क्वेश्चन है in आपको on सब any particular पता, one point, so then तो you ये can इधर use आ the जाता start हूँ। point. Okay, I अभी accepted. मेरे को टूल Now we'll सिलेक्ट go to करना है। tool selection. हाँ, ये याद रखने की चीज है, आप सरफेस You keep in मशीनिंग में mind फ्लैट that मशीनिंग surface लोग नहीं machining करता है। you need रीजन ये है, bull end mill, रफ आउट not the करने के बाद flat end mill. हर जगह पे You आप can use in case if सरफेस you या use फ्लैट एंड मिल bull end mill, sorry, ball end, इसीलिए किधर भी in case if सरफेस you का use अपना the ऑपरेशन है, flat end mill इट्स in the एडवाइज्ड surface machining, टू you will यूज find a lot of बुल एंड मिल। बुल एंड मिल का मतलब है in the कॉर्नर depth. रेडियस So कैविटी, ठीक है। that will not give a smooth लेवल में
surface finish. So if you use the bullion mill, definitely bullion mill, the edges will be the corner edges will be there. So you will not get the very sharp edges while doing roughing. So it is always preferred in the surface machining, you can use the bullion mill. Okay. Now I am selecting a 12 dia bullion mill and corner radius is 1 mm. ठीक है, कट लेंथ है, ये सभी है, तो ये इसको ओके बोलता हूँ. So now I can right click and edit tool. So I can check what is the tool length and other thing. If at all if I modify, want to modify the tool length and other thing, I can do it from this. तो ये है आपको. You can see here the. देखो ये है टोटल 83 कट लेंथ है, चाहिए तो ज्यादा करेंगे. शैंक डाया यू कैन मॉडिफाई इफ इट इज इफ यू वांट. ओके, ये 38 है, इसको बोलता हूँ मैं. सो आई जस्ट मॉडिफाई द टोटल हाइट 60 और कट एंड टूल हाइट कटिंग हाइट आई विल चेंज इट टू 25. ठीक है, यू कैन मॉडिफाई द लेंथ. मेरे को तो टूल नंबर यून टूल नंबर आल्सो नीड टू चेंज. नेक्स्ट आई विल से टूल नंबर 1. मेरा कटिंग यू वांट कटिंग स्पीड यू कैन मॉडिफाई एंड योर फीड पर टूथ यू कैन चेंज एंड माय प्लंज रेट आल्सो यू कैन मॉडिफाई. So once you made everything, you can save it in your library. Or you can make your own library. Whatever tools you have, those things. मैंने बनाया था ना test tool library. So I have already made test tool library. I save it in that library. कभी-कभी ऐसा save करने के बाद इधर change. So in case after saving, that parameter must change. If not changing means, you can go right click and. इंक्रीमेंटल नो प्रॉब्लम. इधर क्यों ऑप्शन नहीं रखते हो, सिर्फ इंक्रीमेंटली चलेगा. सो इधर यू कैन कीप इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट. ये सरफेस मशीनिंग में कुछ गड़बड़ होगा, इट्स बेटर यू कैन लेट इट बी इन द इंक्रीमेंटल. सो इन केस इफ यू आर मशीनिंग यू विल फाइंड any problem in the machining, then later you can modify this parameter after simulation. हमेशा जीरो से ऊपर जाके आके प्लंज करते बैठेगा, वो थोड़ा आपको ये जाएगा. ठीक है, फर्क देखना है तो देखेंगे. Now compensation always you have to keep a tip में, you have to keep the tip. Center में रखना है. If you keep in the center compensation, you can see there is a one small point is in the diagram. So then it will generate the tool path based on that center point. In that situation, so it will generate the NC file based on that center point. So that means that it will cut the negative trap, negative stock. So it's better always you keep the tip compensation. Suppose next stock to leave, how much you want to keep stock? 0.25 mm stock I want to machine it. Keep the machine for finishing. If you have selected check surfaces, then you can view the data. But we have not selected the check surfaces, so we are not going to do anything. Next, the containment boundary. Tool. So tool, how to behave? Containment boundary, the tool has to behave. Containment it means that inside, if you keep, means the tool will work inside the boundary. Even if you can give
सेंटर बोल दिया सम एक्स अमाउंट आल्सो टू वर्क इन साइड द बाउंड्री. से लेके इफ यू सेड सेंटर मीन द टूल विल कट अंटिल अप टू दैट सेंटर ऑफ दैट लाइन अंदर छह एमएम. सो आउटसाइड बाउंड्री मींस इट विल कट आउटसाइड द बाउंड्री. हाउ मच यू वांट यू कैन गिव दी थोड़ा बाहर से यू वांट 1 एमएम 2 एमएम यू कैन एडिशनली गिव. सो this all are the inside the containment boundary how the tool has to behave. This is the meaning of this. So next tolerance के बारे में tolerancing मालक class tolerance we see it in this separate video. So this tolerance is related to your tool pass accuracy. Otherwise so this will be seen separate. So cutting methods are there two type. One is a zigzag or one way. अबे one way ले लिया. Step down means it's a depth of cut. कितना how much you want a depth of cut. Now I kept 2 mm. ठीक है. तो अभी so I kept one way and step down. Step down 1 mm. Plunge control है. How it has to cut from both side or cut so from cut one from side, outside, cut from inside, all these things. So after generation, we will check it and modify and check this all this option. The maximum step over. So next is the maximum step over. So we have 12 mm cutter. How much percentage percentage wise we want to move the tool diametrically? 6 mm or 7 mm. So we can give. 6 mm, say 50% of cutter diameter you are going to utilize for the cutting. Okay. Next, then angle of cutting. इसको बोलते हैं. Okay, then angle of cutting you can use now 0 0. So next is the common parameters or ऐसा रहता है हमेशा सभी. This parameters available in all tool path. Cut depth strategy and depth strategy, gap strategy, gap setting, and third one is edge strategy. Advanced setting. This all three strategy default available in all surface tool path. लोग आना उसको ज़्यादा कुछ. So generally people never touch this particular tool path. इधर नहीं देखते. Particular parameters. So the default now also I am going to accept as default only. But we are going to see as a separate video for this all three parameters. So now you can see we have generated tool path. The tool path generate हुआ. अभी also now you can see there are lot of yellow lines are there. It means lot of retractions are there. You can see that how it is cutting. So cutting is happening in the only one direction. एक तरफ से plunge करके machine. So one now it will enter in only one direction and retract and come again to the same direction and machining. So that's the reason you are seeing lot of retractions. अभी angle change करेंगे ना. So now we'll change the angle 90 degree and regenerate. Now you can see. So cutting method is made 90 degree. It means you can modify any angle of cutting. Direction tool कैसे cut करना है जरा. ये आप हमेशा यू आर फ्री टू चेंज ज्यादा इन केस देयर आर एंगल नॉर्मली यू जनरेट द टूल पाथ देन लेटर यू फाइंड लॉट ऑफ रिट्रैक्शंस आर देयर यू आर अनेबल टू कंट्रोल देन यू कैन मॉडिफाई द डायरेक्शन ऑफ मॉडिफाई द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ कटिंग देन यू कैन सी दैट दैट रिट्रैक्शन विल बी लेस सो दैट यू कैन डू इट बाय योर ओन बाय चेकिंग द सिचुएशन. Okay, now we are going to simulate and see, but we have not done this stock model, I think. So yes, we have. No, we have not done this stock model. That's the reason it cuts in the first cut in the biggest way. So we'll do one thing. एक observe किया आपने? हाँ, you can see the first cut it has cut like anything.
ये रफ मटेरियल को कंसिडर नहीं इट किया डज जाए नॉट सॉफ्ट कंसिडर मटेरियल दी को ना, द मटेरियल अबव द सरफेस. सो तो फर्स्ट एक वील डू काम वन थिंग, करेंगे वील मेक आवर स्टॉक सेटअप. बिल्डिंग को। आई सिलेक्टेड माई स्टॉक. ठीक है, मैंने 2D में था इसलिए So it अलाउ was नहीं कर not रहा। allowed me because I was in 2D condition. So I change now 3D. Now I'll go again bounding box. बॉन्डिंग I'll accept. So now it will ऑटोमेटिकली take सब ले लेगा entire एंड model. सिलेक्शन। So now I'll go for सो जनरली आप वो जो डेप्थ है वो क्लियर कर दो। इधर कुछ स्टॉक के लिए We कुछ have भी not प्रोविजन put नहीं any है। stock here. Okay. अभी दो काम कर सकते हैं आप, इसको पूरा उठा के ऊपर रख सकते हो So, because और इतना तक we can सरफेस see there is a difference between the मशीन मीन्स zero of फेसिंग mask उठा cam के and the या ऐसे टूल पर जनरेट भी कर सकते हो। वही तो सही bottom मेथड of है the क्योंकि surface. टूल There is a इतना difference. डेप्थ एकदम एकदम देखो कैसे So now if कट we रहा है। see here also. सो पहला कट है, ये टूल टूट जाएगा ऐसा कट करेगा तो। So in that case, you should do your first means zero setting properly in this case. Then only you can able to cut. Okay. अभी ठीक है, अभी पहले स्टॉक So डिफाइन now नहीं you can किया see the तो after एकदम defining a अपने आप stock, ऊपर से it's कट nicely गया। cutting. स्टॉक करने के बाद वो अपना स्ट्रेटेजी वो चेंज कर लिया। देखो मैं Now स्टॉक I'll को modify the stock. डिलीट करेंगे, जीरो करवा देते स्टॉक को भी। Now, for understanding, I'll make it a stock zero again to show you ठीक है, अभी स्टॉक निकाल दिया, अभी रीजनरेट करेंगे। how you see the simulation now. ओके, मैं सिलेक्शन भी ना कर रहा हूँ इसलिए वो ना बोलता बेटा। Now we just removed the temporarily the stock what we are ठीक है, सही तो कट कर रहा है। तो स्टॉक डिफाइन किया, अभी कटिंग तो हो चुका है। तो अभी So now we आप can change the एंगल के बारे में तो अभी क्लियर है। cutting अभी method will कटिंग मेथड change it में to zigzag हम now. चेंज करेंगे जिगजैग, एंगल चेंज करवा देते हैं पहले। एंगल Angle I अभी change जीरो it to चेंज zero. करेंगे, कटिंग So मेथड what चेंज is करके difference क्या by फर्क if I आता है। do the cutting method? So it is still one way only. ये भी सेम Still ही it दिख is रहा है not हमको, वन changed, I think. वे जैसा ही कटिंग कर रहा है ना। Okay, it's again cutting one way only. तो इसका रीजन है आप देखेंगे, दो एक कट फ्रॉम बोथ साइड रखते हैं Because जिससे of ऐसा हो रहा the है, कट फ्रॉम cut वन from साइड। both side, it is making some issue. I just modified it now. अभी देखो थोड़ा कम हुआ लगता है, Still, it is doing the cut from one side only. डायरेक्शन थोड़ा चेंज से इसमें, थोड़ा ये डायरेक्शन एंड So to से avoid आपको रिट्रैक्शन restriction, में थोड़ा retractions, I कम कर changed सकते हो। the angle for machining now. तो अभी Now अभी you can देखो see कैसे कट that कर रहा है, ये देखो फर्स्ट कट का कितना कट किया। सपोज अभी मैं So स्टॉक now डिफाइन I'll किया तो define a stock now. Bounding box.
आई सिमुलेट नाउ तो सुनो। ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट रहता है, उसको समझता है आपने स्टॉक है क्या, स्टेप को नाउ यू कैन प्रेसिडेंट या सी नहीं। दिस मशीन, ये देखो अभी बट थोड़ा मेटल इधर ऑन छोड़ दी दिया, इसको कैसे स्मॉल लिटिल करेक्ट करना अमाउंट इज है, लेफ्ट आउट हियर। तो इधर है आपका ये बाउंड्री को सो थोड़ा वन बढ़ा मेथड डालो। इज यू कैन इंक्रीज द हाँ बाउंड्री, नहीं ये तो इधर जाके अदरवाइज ये यू कैन बाउंड्री का जो चेंज दी पेमेंट में कट थोड़ा आउटसाइड द आउटसाइड है, बाउंड्री। सो आप वन ये एम एम पेमेंट आई बढ़ा हैव दो मेड इट, सो तो ये नाउ एच इट विल को भी मशीन ठीक दी रहता है, एंटायर, समझ गए ना क्या है। तो नाउ ये कैन ऐसा मशीन रहता इट है अगेन। कि बाउंड्री को, ये देखो नाउ यू कैन बाउंड्री को सी दैट निकाल इट हैज दिया, मशीन दी बाउंड्री आल्सो। ठीक है। ये है हाँ कटिंग दिस इज मेथड दी जिगजैग, कटिंग मेथड एज एग्जैक्ट। कटिंग मेथड जिगजैग, ये देखो ना ऐसे नाउ वी कट कैन करता है, सिमुलेट एंड सी हाउ इट इज कटिंग। सो इट इज कटिंग दोनों तरफ बोथ द कट साइड। करता है। यही सिंगल बोल दिया सो इफ तो यू से वन वन वे वे बोल मीन्स दिया तो एवरी टाइम इट विल उठ के उठ के कंट्रैक्ट बाहर है। एंड गो बैक टू द सेम प्लेस फॉर एंट्री। ओके ठीक है, हमेशा है ना सभी टूल पाथ में कैसे काम करता है थोड़ा यू आपको। हाँ इसमें हमने ये फर्क पड़ता है, कट फ्रॉम वन साइड इफ यू अलाउ से अलाउ मल्टीपल प्लेंज, मल्टीपल इसमें प्लंज मीन्स आपको सो रिट्रैक्शन कम होने का बहुत चांसेस है। दिस ये इज द है वन वन वे, यू कैन वे, सी इन द वन वे इटसेल्फ दिस इज द कटिंग मेथड। ये नाउ चीज आई विल आप से जिगजैग इन अलाउ एग्जैक्टली मल्टीपल बोल प्लंज आई सकते स्विच हो। ऑन। नाउ यू कैन सी दैट रिट्रैक्शन इज अभी लेस। देखो रिट्रैक्शन बहुत कम हुआ जिगजैग बोलने से। ये है डिफरेंसेस है सो दिस इज द डिफरेंस कैसे बिटवीन दी आपको कॉन्टोर टूल पाथ कॉन्टोर हाउ इस्तेमाल करना है। टू हाँ सॉरी यूज गलत दिस बोल दिया मैंने, पैरेलल पैरेलल टूल पाथ टूल फॉर पाथ रफिंग रफिंग के लिए एप्लीकेशन। कैसे यूज करना है। सो पैरेलल टूल पाथ में इतना ही पैरामीटर्स है, हाँ जिसमें ये वी विल चीज सी हमारे से ऑल देखने दिस वाला है, थ्री फल्ट विल टॉलरेंस ये डिफरेंट सभी का कॉमन है, ये अ दो चीज वीडियो। में बोल रहा हूँ, इवन द टॉलरेंस फल्ट आल्सो वी टॉलरेंस आर गोइंग एंड टू सी ये सेपरेटली सभी नॉट को हियर। कॉमन है। और उसके अलावा कुछ नेगेटिव सो मोशंस है इन आपका, केस कट फ्रॉम वन एंड यू वांट नेगेटिव में अलाउ कुछ नेगेटिव है, मोशंस आप कुछ फॉर्म टूल सो बना के दैट उसको भी क्लियर सिचुएशन यू कैन करना है, तो यूटिलाइज ये दिस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अलाउ नेगेटिव अलाउ मोशन अलॉन्ग द नेगेटिव मोशन सरफेस, अलॉन्ग द सरफेस, अलाउ अलाउ पॉजिटिव पॉजिटिव मोशन मोशन अलॉन्ग अलॉन्ग द द सरफेस, सरफेस। यू कैन स्विच ये ऑन एंड ऑन ऑफ करके दिस भी आप थिंग्स। यूज कर सकते ओके हैं, ठीक है। सो अभी होप आप लोग समझ गए लगता है। ये दिस है इज ऑल पैरेलल अबाउट दी रफ टूल पाथ, पैरेलल रफ ये टूल टूल पाथ। पाथ जो अभी हम देख रहे हैं ये है सो सबके दिस टूल पाथ नॉर्मल वॉट एवर मशीन वी का। आर सीइंग नाउ ऑल मशीन डस फॉर द नॉट अलाउ नॉर्मल यू मशीन्स हाई स्पीड यू कैन केबल, यूटिलाइज इन द एनी पुराना मशीन मशीन, दिस ये टूल पाथ। पुराना तरीका बट कटिंग करने का है चीज है ये। दिस न्यू मशीन नया मशीन ऑल्सो में इट भी ये विल काम दिस टूल करेगा पाथ विल वर्क, ऐसा नहीं है, ओल्ड मशीन में बट ऑल्सो दिस विल हाई वर्क। स्पीड मशीनिंग नहीं होगा, मतलब ये सो सेपरेट बट करेगा। दिस हाई स्पीड तो टूल पाथ ऐसा मे नहीं है नॉट बी सभी यूज्ड इन मशीन्स ऑल दी हाई स्पीड सिचुएशन काम कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि बहुत ओल्ड सारा मशीन्स मशीन्स है डजंट नॉर्मल हैव दी टूल पाथ से काम कर केपेबिलिटी रहा है। टू सिमुलेट द और हाई स्पीड मूव्स, ऐसा मशीन में मीन्स आप हाई स्पीड यूज दैट कर सकते स्प्लाइन हो, मूव्स। नॉर्मल मशीन में आप सो दैट्स नॉर्मल रीजन टूल हाई पाथ यूज स्पीड टूल पाथ इफ यू कर आर सकते हो। यूटिलाइजिंग यू नीड दी मशीन तो शुड हैव अभी दी ये पैरेलल केपेबिलिटी टूल टू पाथ कट मशीन। फ्रॉम वायर में देख लिया ओके हमने, तो नेक्स्ट देखेंगे सो वी आर सीन इधर नाउ टूल अबाउट पाथ, दी ठीक है। पैरेलल टूल पाथ। थैंक ओके यू। थैंक यू।